अपना बिहार 75 साल के बाद भी पिछड़ा है। हमारे युवा और रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। बिहार के युवकों को स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ा है। आखिर क्या कारण है कि देश आगे बढ़ रहा है और हमारा बिहार पिछड़े की श्रेणी में खड़ा है? यह गंभीर समस्या है। इसे समझना जो भी है, क्या आपने कभी सुना कि दिल्ली से मजदूर रोजगार के लिए बिहार आते हैं? उपरोक्त बातें रोहतास जिला के अकोड़ी गोला के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होगा। हम लोग ऐसे दल ऐसे संगठन भी बनाएंगे जो हम बिहार के विकास करेगा। आप ऐसे ही लोगों की जीत आइएगा जो आपका विकास करे। नीतीश कुमार ने तो बिहार के लोगों को बांटने का काम किया है। बिहार की बदहाली के जुगाड़ नीतीश कुमार हैं। वो हमारे घर को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो कभी दल तोड़ने का। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता राजीव रंजन सिंह सहित तमाम लोग मौजूद थे। आज मैं आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से आया, एक खास मकसद से आया। आप सब जानते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।